ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 10 के अंदर 95% मार्क्स स्कोर करे थे 2023 के अंदर। 2024 के अंदर ये नंबर और भी बढ़ने वाला है। अब तुम ये सोचो 95% स्कोर कर पाना क्या इतना टफ है? भाई ये स्टूडेंट्स भी तुम्हारी तरह ही हैं, तुम्हारी तरह ही पढ़ते हैं, तुम्हारी तरह स्कूल जाते हैं, तुम्हारी तरह यूट्यूब चलाते हैं, शायद फोन भी चलाते होंगे, हर चीज ये करते हैं, लेकिन पढ़ाई का जो सही तरीका है वो इन्हें पता है। वो सही तरीके से पढ़ते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, टाइम टेबल के साथ पढ़ते हैं और 95% हंसते हंसते स्कोर कर देते हैं। ये नंबर कम नहीं है, इस नंबर में तुम भी आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट बन जाता है अगर उसको पढ़ने का सही तरीका पता लग जाए और पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 के अंदर 95% मार्क्स मैंने खुद कैसे स्कोर करे थे और आप भी कैसे कर सकते हो हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर। देखो फाइनल के अंदर 95% तभी आएगा जब हाफ ईयरली के अंदर एक अच्छा स्कोर होगा। और आज आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी देने वाला हूं, नोट्स देने वाला हूं कंप्लीटली फ्री, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल के यूज कर सकते हो। वीडियो को बस ध्यान से एंड तक सुन लेना। हजारों स्टूडेंट्स को ना यही स्ट्रैटेजी फॉलो करवा करवा के 95% स्कोर करवाया है, अब तुम्हारा नंबर है। तो सुनते जाओ वीडियो को ध्यान से एंड तक। देखो यार 95% अगर तुम्हें स्कोर करना है तो तुम्हें सबसे पहले फोकस ये करना होगा कि तुम्हारा जो मैथ्स है, साइंस है एंड एसएसटी है, इसमें तुम्हारा अच्छा पकड़ होना चाहिए। अगर तुम्हारा इसमें अच्छा पकड़ होगा, इंग्लिश हिंदी में नंबर आ जाते हैं, इसमें अच्छा पकड़ होगा तो ओवरऑल स्कोर ज्यादा ही बनेगा। अब कैसे पकड़ बनेगा, क्या होगा, आओ देखते हैं। बस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनते जाना। कॉमेंट सेक्शन में अभी क्या भी लिखो, हाँ भैया आई विल स्कोर 95% माय क्लास 10th एग्जाम्स और वीडियो को मैं ध्यान से एंड तक सुनूंगा। पहला स्टेप तो यही है ना कि 95% स्कोर करने का वीडियो को सुनो, ठीक। अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, प्रिपरेशन। देखो यार 95% स्कोर करना है, ये हमारा गोल है। अब गोल को अगर हमें एक एक्चुअली में प्लान में कन्वर्ट करना है तो उसका पहला स्टेप है कि आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। भाई देखो यार नई एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, ठीक है, और एक चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है, एक चेकलिस्ट बनाओ, मैं तो कह रहा हूं 5 चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी, चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है, इसमें चैप्टर्स के नाम डालो, यहाँ पे नाम डालो चैप्टर्स के, ठीक है, और ये चेकलिस्ट बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। स्टडी टेबल के सामने एक बार चिपका लोगे ना, क्लैरिटी होगी, कितने चैप्टर्स हैं, कितने करने हैं, कितने रह रहे हैं, पूरा का पूरा एक रोडमैप आपके सामने रहेगा। स्टडी टेबल के सामने चैप्टर्स आपके चिपक जाने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक आप अलग से पेज लोगे, कोरा कागज लेना, वहां पे लिखना 95%, ठीक है, और लिखना कि तुम्हें 95% क्यों लेकर आने। इमेजिन करो कि तुम्हारे 95% मार्क्स आ गए, उसके बाद क्या क्या चीजें होंगी और वो चीज तुम्हारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेंगी। यहां पर उन चीजों को नोट डाउन कर लो और ये 6 के 6 पेज अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना। तुम्हारे पास अपने आप एक क्लैरिटी रहेगी। देखो यार कोहरे में अगर तुम जा रहे हो, ठीक है, कोहरे में तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें वैसे भागने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी। अगर तुम्हें क्लियरली अपना गोल दिख रहा है, मुझे कहां तक पहुंचना, तुम और तेज भागते हो, ये वो क्लैरिटी है, ठीक है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अब करते हैं प्लानिंग। देखो सबसे पहली चीज क्या है, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर अगस्त में या जुलाई तक होता है आपका हाफ ईयरली, ठीक है। अब जब तक भी आपका हाफ ईयरली है, आप हाफ ईयरली की जो डेट है उसको क्लियरली मेंशन कर लो अपने ऊपर कि भैया मेरे को इस डेट तक अपना सब चीजें रेडी कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने डेडलाइंस बनाइए, आपने ये चेकलिस्ट बना ली, ठीक है, ये चेकलिस्ट रेडी करी थी जो, इसी चेकलिस्ट में डेडलाइंस बना लो। कैसे बनाओगे, देखो मान लो मैंने लिखा कि मैथ के अंदर मेरे 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर आने हैं, ठीक है, मान लो वैसे इतने भी होंगे, मैं कह रहा हूं 5 ही आने, मान लो, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, ये मैं इस महीने के एंड तक करूंगा, ये मैं इस महीने के एंड तक करूंगा, ठीक है, ऐसे लिख लो, ये जून तक करूंगा, ये जून में ये करूंगा, जुलाई में ये करूंगा, अगस्त में ये करूंगा, ठीक। दूसरी चीज क्या है, आपकी जो समर हॉलीडेज पड़ेंगी, ये आपके लिए मैक्सिमाइज करने वाला समय है, ये वो समय है जो गेम चेंज कर देता है। अगर आपने समर वेकेशन में ढंग से पढ़ाई कर ली ना, आप 95% लेकर चले जाओगे, पूरे साल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समर वेकेशन के अंदर अपना 30-40% सिलेबस अगर निपटा देते हो, विच इज अ वेरी हाइपोथेटिकल टास्क, बहुत हाइपोथेटिकल टास्क है, लेकिन चूंकि मैं आईटी वाले बच्चों को गाइड करता हूं, मेंटोर करता हूं, तो मेरी हैबिट वो आईटी वाले लगी, आईटी वाले बच्चे कर देते हैं, ठीक है। खैर अगर आपने ये काम कर दिया ना, तो आपको पूरे साल, आप भाई पूरे साल खेल करोगे, आप खेल स्कूल के एग्जाम से भी टॉप करोगे, फाइनल एग्जाम में भी टॉप करोगे, आप सुनते जाना, ठीक है। देखो तो इस तरीके से आप अपनी डेडलाइंस को रेडी करें, डेडलाइंस रेडी होंगी, आपको पता होगा कि कब तक मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना, कब तक मेरे को जाना, ये दोनों काम अभी करोगे, वीडियो खत्म होते ही करोगे। आलसी रह जाओगे तो एवरेज स्टूडेंट टॉपर नहीं बनता यार, ठीक है। मैंने देखा मोस्टली एवरेज स्टूडेंट ना एवरेज इसलिए होते हैं क्योंकि वो आलसी होते हैं, जो मैं कह रहा हूं करेंगे ही नहीं, जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला भाई, तो ये काम करो पहले। फिर रिसोर्सेज टू फॉलो, आप देखो क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, फ्री में देने वाला हूं, सुनते जाओ, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप चैप्टर्स को यूट्यूब पर जाओ, वन शॉट से कंप्लीट करो, ठीक है, वेदांतु का चैनल है वहां से कंप्लीट कर लो, कोई कोर्स हो आपका वहां से कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक चैप्टर का वन शॉट देखा, वन शॉट देखना ही चैप्टर खत्म करना नहीं होता है, बात समझ लेना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है संकल्प जौहरी क्लास 10th गैंग, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके पिंड मैसेज में, मैसेज पिन कर रखा है मैंने, पिन मैसेज में जाना, क्लास 10th के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उन नोट्स के अंदर सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैच द कॉलम, जितने टाइप के सवाल हो सकते हैं आपके, सारे सारे सवाल मैंने यहां पर, एसर्शन, रीजन हो गए, थ्योरी हो गई, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब दे रखा है।
आप कुछ मत करो, आप ये वन शॉट देखो, आप मेरे नोट्स के क्वेश्चन लगा लो खाली, और एक बार एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज हटा लो, बस बस। अब मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं इस चैनल से, अगर इतना कर लेने के बाद आपकी क्लास 10 में 95% नहीं आई तो भाई इसी चैनल पर अपना नाम बदल दूंगा, संकल्प जौहरी की जगह कुछ और नाम रख दूंगा, ठीक है भाई। इसके अंदर मैंने ना जो सवाल डाले हैं, इसके अंदर जो सवाल डाले हैं वो सवाल हैं जो मोस्टली आपके हाफ ईयरली के अंदर पूछे जाते हैं। ये नोट की लिंक, वही टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन मैसेज में चले जाना, ठीक है। अब ये रिसोर्सेज आपने फॉलो कर लिए। अगली चीज देखो यार, बहुत ही लिमिटेड चीजें यूज करनी है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी भाई ये बाइबल है, ठीक है, ये बाइबल है। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से समझ ली ना तो मजा आ जाएगा। फिर हमारे आप नोट्स यूज कर लो, नोट्स के अंदर भी मैंने थ्योरी दे ही रखी है, वो आप यूज कर लो, काम खत्म, चल कोई दिक्कत नहीं, बस खाली नोट यूज कर लो, एनसीईआरटी यूज कर लो, काम खत्म भाई। ये नोट कतई फ्री में डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी आपके पास है ही, ठीक है, बस इतना यूज कर लो, साथ में खुद के नोट्स बना लेना। और इसके अलावा कोरा कागज मेथड यूज करोगे आप हमेशा पढ़ते हुए। अब ये क्या मेथड है, देखो यार बार बार बोल रहा हूं, आलसी रह जाओगे तो कभी भी एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट नहीं बन पाओगे, बस दैट्स इट, ठीक है। हो सकता है मेसी के पास एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल की स्किल्स हो, बट रोनाल्डो मेहनती बहुत है, और वो मेहनती इससे ज्यादा है, मेसी से ज्यादा है, इस वजह से वो मेसी के लेवल तक भी पहुंच गया। बात को हमेशा याद रखना, जो मेहनती व्यक्ति होता है ना वो टैलेंट को बीट कर सकता है, अगर टैलेंट जो है वो मेहनत नहीं कर रहा है। सीधी बात है, कोरा कागज मेथड क्या कहता है भाई, तुमने आज जो चीज पढ़ी, मैं कह रहा हूं तुमने आज मैथ के अंदर कोई भी चीज पढ़ी, ठीक है, साइंस के अंदर कोई भी चीज पढ़ी, ठीक है, अगर तुम्हें आती है तो तुम उसको एक कोरे कागज पे लिख सकते होने चाहिए हो। तो तुम्हें एक एक्सरसाइज करनी है रोज के रोज, तुम रोज के रोज स्कूल से आओगे, जो चीज तुमने स्कूल में पढ़ी या घर में पढ़ी, सोने से पहले एक खाली कागज लोगे और खाली कागज के अंदर जो कुछ भी तुमने दिन में पढ़ा था उसको तुम यहां पर लिखोगे। ये मेथड अगर तुमने यूज करना चालू कर दिया, मैं बता रहा हूं तुम 7 दिन करके देख लेना, 8वें दिन ना तुम्हारे दिमाग में सारी की सारी थ्योरी और सारा का सारा क्वेश्चन सब कुछ ऐसे चमक के रखा होगा ना, तुम्हें लगेगा एग्जाम के अंदर तो मैं बैठूंगा ना जब सवाल करने, तो मेरे तो दिमाग के अंदर एक पूरी पिक्चर चल रही होगी पूरे साल की, और वो पिक्चर को मैं कभी भी जैसे यूट्यूब वीडियो को आगे चल के आगे करके हम रिवाइंड करके देख लेते हैं ना, बस दिमाग में ऐसे ही रिवाइंड करके देख लोगे कि चलो आगे बढ़ के मई में मैंने 26 मई को ये सवाल करा था, सवाल से ये आया क्वेश्चन कर दिया मैंने। ये होती है टेक्निक, ये कब हो पाएगा, जब आप कोरा कागज मेथड यूज करोगे, क्योंकि इससे आपके दिमाग में पूरी चीज इम्प्रिंट होती है, ठीक है। साथ में नोट्स आप अपने खुद के बनाएंगे, ठीक है, और नोट्स खुद के बनाने का रीजन ये भी है कि जब आप लिखते हो तो आपको चीज याद होती है, हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन यूज होता है, तो चीजें आपके दिमाग में बैठती हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाता है रिवीजन। देखो यार रिवीजन जो है ना, अगर आपने नहीं करा तो आप जितनी भी थ्योरी पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। अब रिवीजन किस तरीके से करना है, सही तरीका मैं आपको बताता हूं। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आपने जो आज पढ़ा, ठीक है, आपने जो आज पढ़ा वो आप आज रिवाइज करो, ठीक है, मैं कह रहा हूं आज रिवाइज करो 1 घंटा, ठीक। आपने जो कल पढ़ा उसको आप 1 घंटा रिवाइज करो, और जो आपने 1 दिन पहले यानी यहां पढ़ा था उसको आप 15 मिनट रिवाइज कर लो, क्योंकि कल आपने 1 घंटा कर दिया था, कल आपने 1 घंटा कर लिया था तो आपको अगले दिन 15 मिनट लगने वाला रिवाइज करने में, ठीक है। तीसरे दिन जो आपने पहले दिन पढ़ा उसको 5 मिनट रिवाइज कर लो, जो आपने दूसरे दिन पढ़ा था उसको आप 15 मिनट रिवाइज कर लो, और जो आपने इसी दिन पढ़ा उसको आप 1 घंटा रिवाइज कर लो, बस। और फिर ये साइकिल आप आगे चलाते चलो, आप एक चीज का 3 बार रिवीजन दे दोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं बच नहीं सकती, दिमाग में यहां फिट हो जाएगी, यहां जिंदगी भर के लिए फिट हो जाएगी, ठीक है। फिर कोरा कागज मेथड जो मैंने आपको बताया था, आपको अगर कोई चीज आती है तो आप इसके अंदर लिखते होने चाहिए हो, सीधी बात है। क्लास से आओगे कोरा कागज मेथड यूज करोगे, स्कूल से आओगे कोरा कागज मेथड यूज करोगे, अगर आपको जो चीज आती है आप यहाँ पे लिखते होने चाहिए, सवालों को लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस दोगे तो आपको अपने आप ही नजर आएगा कि अगर सिमिलर सवाल मेरे एग्जाम में आ जाएगा तो मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊंगा। अब ये सारी की सारी चीजें आप अपना यूज करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उस चीज के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। और ये चैनल अब आपके 95% स्कोर करने में तो बहुत हेल्प करने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लो, क्योंकि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है, तो भाई तुम्हारे सामने वीडियोज आएंगी नहीं, मिस हो जाएंगी वीडियोज, कोई फायदा नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।